हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सीखते हैं राइट एंड रॉन्ग कैलकुलेशन। अक्सर क्या होता है कि जो फ्रेशर होते हैं, जो अननोन जैसे कि फ्रेशर होते हैं, जब मोस्टली कोच भी होता है, तो क्या करते हैं कुछ मेथड जो होते हैं रॉन्ग कैलकुलेशन निकालते हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने काफ़ी कमेंट किया था कि जो रॉन्ग कैलकुलेशन बताइए हमें इंच एंड सूत्र की, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या कि नई वीडियो जो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, सपोज कीजिए आपकी जो लेंथ, सपोज कीजिए आपका कोई भी क्यूब हो सकता है, या आपका ये क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब आपकी कुछ भी हो सकता है, या एम्पी ट्यूब बॉक्स हो सकता है, या फिर आपका कोई भी, सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आप साइड पे यूज करते हैं। तो उसकी जो लेंथ ब्रेथ है 1.7। देखिए, आपके पास ये लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ 1.7, या तो आपके पास पहले से ही लिखा हुआ है 1.7 इंच, 4.10 इंच, या फिर 1.9 इंच, ये लिखा हुआ है। तो इसकी ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वो आपको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट। और अक्सर क्या करते हैं कि 1.7 इंच इसको ऐसे लिख देते हैं, 1. जब इसको 1.7 इंच, देखिए जो इंच से डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं डबल डैश से, ठीक है। तो 4.10 डैश, तो 1.90, तो 1.90, ठीक है। तो जैसे ये वाला हो गया है, तो इसको हमें कैसे कैलकुलेशन करना, काफ़ी क्या होता है रॉन्ग कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, रॉन्ग कैसे कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, काफ़ी ऐसे लिख देते हैं, तो 1 इंच 7 सूत्र, तो इसको क्या लिख देते हैं, जो 1.7 लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख देते हैं, 1.7 सूत्र, 1.7 सूत्र। तो 4 इंच 10 सूत्र, तो 4.10 है, तो इसको क्या लिख देते हैं, 4.10 इंच। तो 1.90 लिखा, तो 1 इंच 9 सूत्र। तो जो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, देखते रहिए, पूरा वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा जो फ्रेशर है, जो नैन टेक है समझने के लिए। तो ये क्या हुआ, ये आपने इसको कहीं पे आपको लिखा हुआ मेजरमेंट आपने लिखा है इस तरह से, तो आपके रॉन्ग कैलकुलेशन है। मतलब इसको मेजर करेंगे साइड पे, आपको पास लिखा हुआ 1.7, तो उसको मेजर करेंगे साइड पे इस तरह जाके, देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका ये आ जाता है, ये आपका करेक्ट है, क्लियर। अगर इसको आपके पास लिखा हुआ है कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, तो ये आपको ये करेक्ट है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ये इस तरह से, तो मेज़र करते हैं साइड पे, तो यहाँ पे लिखा है 1.7 इंच, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं साइड पे, तो ये आपको मेज़र करेंगे साइड पे, तो 1 इंच 7 सूत्र, तो ये आपका गलत है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट इंच टू इंच एंड सूत्र, इस वीडियो को, इस टॉपिक को, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में समझना, वो वीडियोज देखना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपका राउंड कैलकुलेशन, क्या आपके पास लेंथ लिखा हुआ है 1 इंच 7 सूत्र, हाइट लिखी हुई है कोई भी 1 इंच 9 सूत्र, ब्रेड चौड़ाई है 4 इंच 10 सूत्र, सूत्र इसमें लेंथ ब्रेड आपकी कुछ भी हो सकती है। तो कैलकुलेशन क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने हमें, तो 1.7 × 4.10 × 1.9। अगर आपके पास ये वाली रॉन्ग कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, ये वाली, जस्ट ये वाली, अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 इंच 7 सूत्र, चौड़ाई 4 इंच 10 सूत्र, आपके पास अगर ये लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन का आपकी निकाल लेते हैं सिंपल, आप पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाने बाद आप गुना कर देते हैं, तो क्यूबिक इंच निकल जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने मेजरमेंट करी साइड पे, 4 इंच 10 सूत्र आ गया, मेजरमेंट करी, कैलकुलेशन करा दे फटाफट, इस तरह से गुना करते गए, भाग करते गए, तो ये आपका कैलकुलेशन निकाल दिया, गलत है मेथड है, बिकॉज ये यूनिट आपकी 100 में नहीं होती है, बिकॉज 1 इंच ही होते हैं बराबर 8 सूत्र, तो ये आपका 100 का पॉइंट नहीं है, बिकॉज 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर होता है बराबर 1000 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 mm, ठीक है। तो ये आपका 10 कुछ समथिंग आता है। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक फीट, तो 13.243, अगर आपके पास ये लिखा है क्यूबिक इंच, इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट से, तो क्यूबिक फीट 13.2843/17.28, तो ये आपका, तो ये तो आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, बिकॉज आप निकाले किसी भी चीज़ का आपको फुट है, आपका क्यूबिक फीट है, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंच में, तो इस क्यूबिक इंच को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबिक इंच में। चलो ये आपका समझाना बेकार है, जब आपकी कैलकुलेशन निकालनी ये वाला, इस तरह से आपने निकाला क्यूबिक इंच, तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, बिकॉज आपके पास लिखा हुआ 1 इंच 7 सूत्र, 1 इंच 9 सूत्र। चलो देखते हैं करेक्ट मेथड क्या है आपके पास, इस तरह से आपको साइड पर कभी नहीं निकालना है, इससे आप निकालेंगे तो करेक्ट मेथड आपका आएगा। बिकॉज आप सीधा, आपके पास लिखा हुआ है 1.7, तो उस पर लिखेंगे क्या, 1 इंच 7 सूत्र। तो देखिए, इस वाले को अलग भूल जाइए, ये वाले को याद रखिए बस। अब 1 इंच 7 सूत्र हमने साइड पे मेजर किया, 4 इंच 10 सूत्र मेजर किया, तो ये आपका गलत है, ठीक है। इस मेथड से ये वाला गलत है, और इस मेथड से ये गलत है। देखिए,
अगर आपके पास लिखा है 1.7 इंच तो 4.10 इंच, 1.9, ये तो आपके पास लिखा हुआ है, इसको क्या गुना कर देंगे सिंपल तो आपका क्यूबिक इंच में निकल जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, आप कर रहे हैं साइड पे मेजरमेंट, अगर आप कर रहे हैं मेजरमेंट मेजरमेंट या फिर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका गलत है। तो करेक्ट मेथड देखते हैं। अब देखते हैं करेक्ट कैलकुलेशन क्या रहती है। लेंथ 1.1 इंच 7 सूत्र, तो उसको कन्वर्ट करना है हमें 1 + 7 / 8। तो 7 / 8 किस लिए किया, ये आपका 7 सूत्र है। तो आपको पता है 1 इंच में होता है आपके 8 सूत्र। ठीक है, तो 1 सूत्र की बात करते हैं आपको, तो 1/8 आ जाता है। क्लियर, तो 1/8, तो ये 1/8 आपको यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर 1 इंच में होता है आपके 8/7, तो 7 में कितने होंगे, 7 सूत्र में, तो 7/8 तो इक्वल टू 1.875, ये आपके पास आ जाएगा इंच। अब देखते हैं आपके चौड़ाई, आपके पास लिखा है 4 इंच 10 सूत्र, तो 4.4 प्लस, देखिए 4 इंच को ऐसे चीज लिखना है, आपके पास 10 सूत्र है, 10 सूत्र को भी आपको क्या करना है, 10/8, बस 10/8 से हमें अगर सूत्र है आपको इंच में कन्वर्ट करना है, सिंपल 8 से भाग कर देना है बस। ठीक है, तो आपको क्या करना आएगा, 5.25 इंच आ जाएगा। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है सूत्र इंच को इंच में, तो लिखा हुआ है 1 इंच 9 सूत्र, तो 1 + 9/8, इंच का सिटीज रखना है, और 9 सूत्र लिखा हुआ है आपके पास, तो 9/8 कर देना है, तो 2.125 आपके पास ये आ जाती है कैलकुलेशन। ये आपके पास लेंथ ब्रेड आ गई पॉइंट में, कैलकुलेशन करने के लिए आप तैयार हो। तो वॉल्यूम आपको निकालना है सिंपल, एल इंटू बी इंटू एच, तो क्या करना है, लेंथ आपके पास 1.875 और 5.25 चौड़ाई आ गई पास, एल एच आ गए आपके पास 2.125। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अब इन तीनों का क्या ना करना, आपको सिंपल गुना कर देना है, तो आपके पास आएगी 20.918 क्यूबिक इंच आ जाता है। अब आपको क्या करना है, क्यूबिक इंच आपको करना है कन्वर्ट क्यूबिक फीट से, तो 20.918 आपके पास क्यूबिक इंच है, कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट को, तो 20.918 डिवाइड बाय करना है 1728। देखिए तो 1 फीट में होता है आपके पास 12 इंच। क्लियर, तो 1 1 इंच की अगर क्यूब की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 12 की क्यूब हो जाएगा कि, ठीक है ना, तो 12 की क्यूब करते हैं, तो 12 × 12 × 12 कितना होता है, 1728। क्लियर, ये क्या हुआ, 1 इंच की क्यूब में इतना फीट क्यूब। क्लियर, अगर 1 फीट क्यूब की बात करते हैं, इस आपको पता होना चाहिए, इसको करते हैं तो गुना करते हैं, इसको भाग करते हैं तो भाग, तो 1/1728 1 फीट क्यूब में होंगे, 1/1728 क्यूबिक इंच, इंच की क्यूब। क्लियर, तो ये आपके हुआ, तो 20.918 / 1728, इसको भाग कर देना है, क्योंकि इंच क्यूबिक इंच है, क्यूबिक इंच को करना है आपको क्यूबिक फीट में भाग कन्वर्ट, तो 1728 सिंपल भाग कर देना है, तो 0.012 क्यूबिक फीट आपके पास आ जाती है, ये आपका करेक्ट मेथड। तो या फिर इसे निकाल सकते हैं, 20.918 आपने यहाँ पे निकाला था 1/1728, तो 1/1728 इसका एक ही मतलब है, इसको इसको गुना कर दे तो वही आता है, यही आता है, इसको गुना करते हैं तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल मेथड क्लियर हो चुका है। तो 20.918 लिखा हुआ है आपके पास, तो इसको अगर पॉइंट में अगर आप कर रहे हैं गुना इससे, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, बस गुना और डिवाइड में यही फर्क है, जो 1728 है इसको अलग कर देते हैं, तो इसको और इसको भाग कर लेते हैं, तो 0.00057587, इसको आप याद नहीं रख पाओगे गुना करने के लिए, इसको याद नहीं पाओगे, इसको आप याद कर लोगे, तो सिंपल मेथड वही है कि आप इस जो भी आपका क्यूबिक इंच में आता है उसको आप भाग कर लेंगे 1728 से। अगर आप चाहते हैं कि मेरे याद नहीं रहता है कि इंच छोटा है वो गुना है, तो मैं गुना कर देता हूँ, तो गुना करने के लिए आपको पॉइंट रहेगा, बहुत लंबी यूनिट है, वो याद करने आपके हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो 20.918 1/1728 से भाग कर लेते हैं, तो यही आपके पास आती है, 1 क्यूबिक इंच में होता है 0.00578 57, इसको इससे भाग किया तो यही पॉइंट आया है। क्लियर, अब इसको और इसको आपको दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो 0.012 क्यूबिक फीट आता है। बस ये बेसिक पॉइंट थे जो आपके मेथड जो मैंने कैलकुलेशन बताया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।